नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। गुरु नानक जयंती के अवसर पर रीवा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आज रीवा के सिंधु भवन में केक काटकर गुरु नानक देव का 553वां जन्मोत्सव मनाया गया। सिंधी समाज द्वारा स्थानीय सिंधु भवन में इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सिंधु भवन में आयोजित कार्यक्रम में सोमवार को सुबह 11 बजे स्वामी कमलदास उदासी जी के सानिध्य में भजन कीर्तन आयोजित किया गया व केक काटकर लोगों ने एक दूसरे को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। जयंती अवसर पर स्थानीय सिंधु भवन में विधायक राजेंद्र शुक्ला, महापौर अजय मिश्रा बाबा, रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती 8 नवंबर को मनाया जाना था, लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण इस वर्ष गुरु नानक जयंती का कार्यक्रम एक दिन पूर्व संपन्न कराया जा रहा है। श्री गुरु नानक जन्मोत्सव 553वां जन्मदिन पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की तरफ से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे समाज का पूरी तरह सहयोग रहता है। इसमें पूरा समाज आकर प्रसाद ग्रहण करता है, भंडारा ग्रहण करता है और पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष दादा प्रहलाद सिंह जी द्वारा ये सब समाज के लोग आकर और इस कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। बहुत आज का क्या कार्यक्रम है? आज का जो कार्यक्रम है 12 बजे भोग साहब स्वामी कमलदास जी के सानिध्य में, इसके बाद आम भंडारा होगा। ये कार्यक्रम शायद गुरु नानक जयंती का है। 8 तारीख को गुरु नानक जयंती है और कल चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण इसका कार्यक्रम पूरा आज रखा गया है। केक अभी कटेगा।